कुरुक्षेत्र के गांव की गलियों में खेल के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शनिवार को गांव बारना में उमंग समाजसेवी संस्था तथा क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में खेलगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांव की गलियों में छोटे छोटे बच्चे जब हॉकी, स्केटिंग और कराटे के जौहर दिखाते हुए गुजरे तो गाँववासी आश्चर्यचकित रह गए। महिला और पुरुष बच्चों की खेलगिरी देखने के लिए घरों से बाहर निकल गए और ग्रामीणों ने खेलगिरी का जमकर लुत्फ़ उठाया। बच्चों द्वारा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गीतों का भी ग्रामीणों ने खूब आनंद उठाया। गांव बारना में आए, हमने अपना खेल दिखाया यहाँ पे और हमने गांव वासियों के साथ बहुत मस्ती की, बच्चों के साथ बहुत मस्ती की। हमने मस्ती मस्ती में अपना खेल खेला। हम कई सालों से खेल खेल रहे हैं पर हमने ऐसा प्रोग्राम पहले कहीं नहीं किया और आज हम बारना गांव में आए, सबको प्रेरित किया गेम के उससे और हमें बहुत अच्छा। किस ग्राउंड पे खेले आप? हम पहले अपने ग्राउंड पे खेलते थे। आज किस ग्राउंड पे खेले? आज हम रोड पे खेले, सड़कों पे खेले और हमें बहुत अच्छा लगा। आज उमंग समाज सेवी संस्था और क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में गांव बारना में खेलगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खेलगिरी कार्यक्रम में ये रोमांचित करने वाला कार्यक्रम आज था। इसमें पहले बाबा पट्टी चौपाल में कार्यक्रम किया गया जहां मुख्य अतिथि के रूप में गुरदयाल सुनेड़ी जी और केडीबी के मानद सचिव हैं मदन मोहन छाबड़ा जी और ब्लॉक समिति थानेश्वर के चेयरमैन हैं देवीदयाल शर्मा जी वो पहुंचे। उन्होंने इसका शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि खेल मतलब मस्ती में खेलना, कि गलियों में एक खेलने के लिए कोई ज़्यादा ही साजो सामान की, किसी पिच की, किसी कोई ज़्यादा ही कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप गलियों में, अपने घर में, किसी भी खेत में आप खेल सकते हो। यह दिखाने के लिए गांव बारना की गलियों में आज जो सोम कॉन्वेंट गुरुकुल के बच्चे हैं उन्होंने गलियों से अपने हुनर को दिखाया और जो यहाँ के लोग थे वो भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए कि ये हॉकी जैसा खेल और गांव बारना की गलियों से खेला जा रहा है। तो इस प्रकार से ये खेलगिरी कार्यक्रम किया गया और यह मैं मानता हूँ कि ये उमंग समाज सेवी संस्था और क्रीड़ा भारती की उत्पत्ति है। ये खेलगिरी पहले राहगिरी कार्यक्रम प्रशासन की तरफ से किया जाता रहा है लेकिन आज खेलगिरी कार्यक्रम ये किया गया है। ये मैं मानता हूँ कि ये इसका असर जरूर जाएगा और पूरे हरियाणा में, पूरे देश में इसका असर जाएगा और हर गाँव में खेलगिरी जो कार्यक्रम है वो आयोजित होंगे। मैं देवीलाल बारना, अध्यक्ष उमंग समाज सेवी संस्था। मेरा नाम संजना है। मैं हैंडबॉल की प्लेयर हूँ और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बारना से हूँ। जो हमारे गांव में आज ऐसा प्रोग्राम पहले कभी नहीं हुआ। जो सोम कॉन्वेंट गुरुकुल की लड़कियाँ थी उन्होंने हॉकी के खेल खेल में हमारे गाँव को भी हॉकी के खेल कुछ तो सिखा ही दिया है, परंतु हमारे गाँव की गलियों में जो थोड़ी बहुत ही खराब थी, लेकिन वैसे तो सही है, लेकिन जो थोड़ी बहुत ही खराब थी उन पर ही खेल खेल के हमारे गाँव के सभी लोगों को जागरूक किया, वृद्धों को और युवकों को, सभी को जागरूक किया। मैं इस खेल को, मैं ऐसा करती हूँ कि ऐसा खेल दोबारा फिर किया जाए और इससे बहुत बच्चे प्रेरित होंगे। ये प्रोग्राम का नाम है खेलगिरी और हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन छेड़ा था स्वस्थ भारत का 29 अगस्त पे। स्वस्थ भारत की कल्पना तब साकार होगी जब स्वस्थ ग्राम होगा और स्वस्थ ग्राम की जो शुरुआत है वो खेलगिरी से शुरू हुई है और खेलगिरी का प्रोग्राम गांव में किया है। इसमें मौज है, मस्ती है, खेल है और सबकी इन्वॉल्वमेंट है। ये बहुत सुंदर प्रोग्राम बना, बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसको सराहा गया और इसके अंदर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे हैं उनकी माताओं को सम्मानित किया गया। तो आज सुबह किस टाइम से किस टाइम तक ये प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम 7 बजे के बाद हमारा शुरू हुआ और इसमें सारे गाँव के लोगों ने साथ दिया और इसमें हिस्सा लिया। ये बड़ा सराहनीय काम रहा। कुरुक्षेत्र का कौन सा गाँव में हुआ और पहला प्रोग्राम हुआ है? ये कुरुक्षेत्र के बारना गाँव में है। बारना एक बड़ा प्रचलित गाँव है कुरुक्षेत्र का और बारना गाँव वासियों को धन्यवाद और तय दिल से उनका शुक्रिया कि उन्होंने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ से हम गाँव की सोच बदलने जा रहे हैं, जो कनेक्शन स्पोर्ट्स के प्रति टूट गया था गाँव का और स्वस्थ गाँव ना रह के वो बड़ी विसंगतियाँ आ गई थी गांव के अंदर। उमंग ठीक करने के लिए उमंग संस्था ने गांव के अंदर खेलों के प्रति एक नई उमंग जगाई है, एक नई सोच बदली है और जब तक एक एक्टिविस्ट के रूप में, एक पैशन के रूप में नहीं लिया जाता तो चीज़ बदलाव नहीं आता। उमंग ने इसको बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी उमंग के साथ लिया। आज गाँव वालों का एक नई विचारधारा के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ खेलों को जो उन्होंने उत्साह दिया है तो आने वाली पीढ़ी के लिए इसमें बहुत फायदा रहेगा। आपका परिचय? मैं क्रीड़ा भारती का
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा का, और हमारा यही उद्देश्य है कि खेलों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास जो हो और उसके अंदर जो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, संस्कार निर्माण हो और देश के प्रति जो उनकी अलग हो, अलग जगह है ना, उसके लिए प्रयासरत है। तमाम भारत के अलग अलग कोनों में ये एक कार्यक्रम हो रहा, मगर बाना गांव में ये जो रहा खेलगिरी जो शुरू हुई है, ये एक नया प्रयोग है और ये बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ। हम चाहेंगे कि यहाँ से पूरे भारत में ये प्रोग्राम फैले, गांव-गांव फैले, ये हमारा एक सुंदर सा सपना है। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।